एक्चुअली मेरे केस में भी ऐसा था कि मैं MBBS परस्यू करना चाहता था, पर मेरा फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मेरा ड्रीम चेंज हो गया, अब मैं IAS करना चाहता हूँ। पर कितना ट्राई करूँ ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और अकेले आप नहीं हो यहाँ पर, कितने हैं जो IAS की तैयारी कर रहे हैं, हाथ ऊपर करो। और कितने लोग कर रहे होंगे पूरे इंडिया में? बहुत, मतलब क्या हजारों, लाखों? नहीं, करोड़ों तो नहीं शायद। करोड़ तो ज्यादा हो गया, लाखों। मतलब कितने लोग अप्लाई करते हैं और कितनों का होता है? 10 लाख में से हजार। सर 10 लाख अप्लाई करते हैं, उसमें 13,000 प्रीलिम्स में सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद 2,000 लगे मेंस में सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू में 1,000 सिलेक्ट करते हैं, उसमें से भी सर बहुत कम सिलेक्ट होते हैं। तो नॉट इवन 0.1%। हाँ, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट इन्होंने बोला कि बट हो भी तो सकता है ना, और इसीलिए आप भी तैयारी कर रहे हो, इसीलिए आप भी कर रहे हो, आप भी कर रहे हो तैयारी? Yes, sir। सर आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस भी तो बहुत है। क्या गोल डिसाइड कर लिया हमने? कि IAS बनना है तो IAS बनना है तो बनना है। क्या वो अकेले आपके अपने हाथ में है? नहीं, इन्होंने भी डिसाइड किया हुआ है। कौन बनेगा आप दोनों में से? इट्स अ बिग क्वेश्चन। सर आप बोलते हो अपने ड्रीम्स फुलफिल करो, हम लोग उस हिसाब से चलते हैं। अगर मेरा ड्रीम आज ये है कि IAS करना है मुझे सर, बट सिचुएशंस ऐसी आ जाती है कि हम लोग उस, मतलब हम अपना करियर ही चेंज कर लेते हैं। सो क्या ड्रीम्स चेंज होते हैं या वो हमारा ड्रीम ही नहीं होता जो हम सोच रहे होते हैं? ये पता कैसे चलेगा कि मतलब हमने लाइफ में ये करना है या हमारे लिए ये चीज़ बनी है? अगर IAS ऑफिसर करो या CA करो, मेहनत दोनों में, पर अगर मैं वो चीज कर रही हूँ तो सर जब भी प्रॉब्लम्स आती है मेरा दिमाग दूसरी तरफ भागता है। सो पता कैसे फिर उधर आप अपना 100% नहीं दे पाते? एग्जैक्टली सर, माइंड बाय बार चेंज होता रहता है। आज लगता है कि छोड़ो इसको, कल लगता है कि नहीं नहीं यही सही है। तो सर फिर इसका सॉल्यूशन क्या जाओगे ना? सर फिर इसका सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन क्या है? डू यू गाइस रियली वांट अ सॉल्यूशन या फिर सिर्फ बोल रहे हो? सर सॉल्यूशन चाहिए। प्लीज हैव अ सीट, अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब रुक जाओ, अब आराम से बैठ करके सुनना और समझने की कोशिश करना। एक प्रॉब्लम हमको समझ में आ रही है। प्रॉब्लम क्या है कि आप अपना एक गोल सेट कर लेते हो, उसको अचीव करने की पूरी कोशिश करते हो, लेकिन आप अकेले नहीं हो, लाखों लोग और हैं जिन्होंने वही गोल सेट कर रखा है। तो क्या गोल सेट करने से पहले भी कुछ होना चाहिए या सीधा गोल सेट हो जाना चाहिए? पहले होना चाहिए। यानी कि ये मान लो ये सोच है इंडियन पेरेंट्स की, इतनी सी सोच है, और जितनी उनकी सोच है उतनी ही आपकी सोच है। अब उस सोच के अंदर अंदर अगर आप कुछ भी करोगे तो वहां पे कंपटीशन दबा करके है या नहीं है कंपटीशन? ये 3-4 करियर ऑप्शंस है अगर आप साइंस से निकले तो, ये 3-4 ऑप्शंस है अगर आप कॉमर्स से निकले तो, और हर कोई सिर्फ वहां से निकल करके जॉब के बारे में सोच रहा है, तो उन करियर में भी कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और जॉब में भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कॉम्पिटिशन के साथ में क्या बढ़ता है? प्रेशर बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, कंफ्यूजन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? करूं ना करूं, और वो कंफ्यूजन होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए? यार आपको दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे देखो कि एक रेस है जहां पे आप जितना मर्जी तेज भाग लो, लेकिन आपको आपसे तेज भागते हुए हजारों लोग नजर आ रहे हैं अगर आंख खोल के देखोगे तो क्या वहां पर ये कंफ्यूजन अपने अंदर होना चाहिए कि मैं भागू भी इस रेस में या ना भागू, या होना ही नहीं चाहिए? नहीं, मैं तो कर लूंगा, मुझे मोटिवेट कर दो, मैं चार्ज अप होना चाहता हूं, मैं करके रहूंगा, ऐसा होना चाहिए? तो हम कभी भी गोल सेट करने से पहले या सो कॉल्ड ड्रीम्स गोल्स उसको सेट करने से पहले कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस अपने आप से कभी पूछते ही नहीं। ये प्रॉब्लम की सारी जड़ है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग इस एज ग्रुप में पूछना शुरू कर दो तो कुछ कमाल का हो सकता है। ध्यान से समझना, हम कहते हैं उसकी लाइफ अच्छी है, उसकी लाइफ बुरी है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? कहानी तो है, क्या आपकी लाइफ एक कहानी नहीं है, एक स्टोरी नहीं है? तो कैसी कहानियां देखने में आपको मजा आता है? जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग हो, या बोरिंग कहानी देखने में मजा आता है? सोचो एक मूवी हो उसमें और कुछ ना हो, जो सब करना चाहते हैं वही वो बंदा कर रहा है, उसने कर लिया, वहां पर जाकर के बैठ गया, कुछ बच्चे हैं उनको भी वही करवाने में लगा हुआ है, ऐसी मूवी देखोगे क्या? तो जब आप ऐसी मूवी किसी और की नहीं देख सकते, सोचो आपकी खुद की ऐसी मूवी हो, आपकी खुद की ऐसी कहानी हो, तो लाइफ कितनी बोरिंग होगी। सोचो एक मूवी बन रही है, किस कहानी में ज्यादा मजा आएगा? कि इसके अंदर जो उस फिल्म का हीरो है या जो एक्टर है एक्ट्रेस है जो भी है, उसने इसी के दायरे में
किया जो भी कुछ किया, या फिर इससे बाहर निकल के कुछ ऐसा किया जो और कोई सोच तक नहीं रहा था, यानी पूरी दुनिया की सोच से अलग कुछ किया, उसमें मजा आएगा आपको, आपको खुद को भी और औरों को भी। थोड़ा सा अपनी विजन को ब्रॉड करो, प्रॉब्लम पता है कि हम सबकी सोच बहुत ही छोटी है, थोड़ा सा ब्रॉड करो इस कंट्री के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचने की कोशिश करो तो कंट्री में आज की डेट में क्या जरूरी है कि ये जो दो तीन करियर ऑप्शंस है जिसके पीछे करोड़ों लोग भाग रहे हैं वहीं पर और कंपटीशन को बढ़ाया जाए या फिर कुछ नए करियर ऑप्शंस खुले, ऐसे ऐसे करियर्स जो लोगों को लगता है कि नहीं ये तो इसमें कुछ नहीं पड़ा है, उसमें आप जाओ और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो। जो उन पॉपुलर करियर्स में गए वो 100 लोग जो मिलकर के कमा रहे हैं वो एक तरफ और आप अकेले जो कमा रहे हो एक तरफ, ऐसा कुछ होना चाहिए इंडिया में ताकि उसको देख करके वहां पर हजारों लाखों लोग आए, तो यहां से कंपटीशन कम होगा, नए नए ऑप्शंस खुलेंगे। ये बातें समझ आती है? कुछ होंगे जो यहां पर उनको प्रॉब्लम नजर आ रही होगी जिनका दिमाग बंद होगा, कुछ होंगे जिनका दिमाग थोड़ा सा खुला होगा और मेरी बातें उनके दिमाग में अंदर जारी होगी, तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अभी इंडिया में जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि सबका दिमाग बंद है, सब सिर्फ इसके अंदर कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो बाहर इसके कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बाहर कहीं कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, समझे? अगर मेरी ये बातें मान लो अभी धीरे धीरे लोगों को समझ आने लग जाती है और लोग इस ट्रैक पे चलने लग जाते हैं, तो 20 साल बाद जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं यहां पे भी बहुत कॉम्पिटिशन होगा, क्योंकि लोगों को पैसा दिखता है ना, आपके घर वालों को दिखेगा कि अच्छा ये हमारी फैमिली में ये बंदा है, ये बच्चा है, उसने अलग हट करके ये किया और महीने का मानो 50 लाख रुपए कमा रहा है, तो अपने बेटे को क्या बोलेंगे? बेटे छोड़ के इन चक्रों में पड़ रहे, यही कर ले। ये होता है, सिंपल सा बंदा है, मेरी फैमिली में दूर दूर तक सबको फोटोग्राफर बनना है। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आप क्या करो क्या ना करो, मैं आपको ये बता रहा हूँ सोचते कैसे है। सर हमें दिल से सोचना चाहिए या दिमाग से सोचना चाहिए? जिसको आप दिल और दिमाग कह रहे हो वो क्या है, एक है आपका मन कि मेरा मन कर रहा है कि मैं ये करूं, मन तो कुछ भी कर सकता है, मन कैसे काम करता है, किसी को करते हुए देखते हैं हमारा मन करने लग जाता है, गाने का थोड़ा बहुत शौक है तो एकदम गाना गाने का मन करने लग जाता है, तो आप अकेले थोड़ी हो, करोड़ों लोग और भी हैं जो उधर भाग रहे हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, एक है पैशन एक है प्रोफेशन। प्रोफेशन उसको बनाना चाहिए जिसमें डिमांड बहुत ज्यादा हो आपकी जो स्किल है उसकी और सप्लाई बहुत कम हो, तो वहां पर आपका फ्यूचर ब्राइट है, आप बहुत आगे जा सकते हो, मतलब अब अपर लिमिट खत्म हो चुकी है, नहीं तो आपकी अपर लिमिट कोई और बैठ करके तय करेगा, उसके हाथ में है कि आपको कितना मिलना चाहिए, यहां पर आप खुद तय करोगे, तो प्रोफेशन हमेशा ऐसा होना चाहिए, जरूरी थोड़ी अपने पैशन को भी प्रोफेशन बनाना है, तो मुझे नाचने का शौक है तो मैं नाचने से पैसा कमाऊंगा, वो एक अलग टॉपिक है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसको मिक्स कर देते हैं इसलिए हम फंस जाते हैं। डांस करके पैसा कमाना दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, वहां पर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, डांस करने में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, नाचने का शौक है नाचो, दिन में 1 घंटा नाचो 2 घंटा नाचो, काम करना है तो कोई ऐसा काम करो जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही नफरत है आपको उस काम से, वहां पे आपको कुछ नजर आ रहा हो और फिर उसके ऊपर काम करो। अगर इस तरह से आप लाइफ में चलते हो छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हो तो वहां पर फेल होना इम्पॉसिबल है, पता नहीं क्या क्या किया जा सकता है, बस दिमाग खुलने की देर है, आपको गैप्स ढूंढने हैं और आपको उसको अपने इंटरेस्ट से कनेक्ट कर देना है, आपको देखना है इस दुनिया में क्या क्या गैप्स हैं, क्या जरूरत है, अपनी जरूरत के लिए जियोगे, मैं इसको समअप कर रहा हूं, इस सेशन को खत्म कर रहा हूं इस पॉइंट के ऊपर, अपनी जरूरत के हिसाब से अगर जियोगे तो आपकी जो जिंदगी है उसकी डोर किसी और के हाथ में होगी, वो आपकी जरूरतें पूरी करेंगे और आपको कठपुतली की तरह नचाते रहेंगे जिंदगी भर। अगर इस दुनिया की जरूरत के हिसाब से जियोगे, अपनी जरूरत को भूल जाओ, दुनिया में देखो किस काम की जरूरत है उसको आप पूरा करो और इस तरीके से पूरा करो जो और कोई नहीं कर रहा है, तो ये पूरी दुनिया आप पे डिपेंड हो जाएगी, तब आपकी जिंदगी की डोर पूरी तरह से आपके हाथ में।
इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।